रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। आज पहला रोजा, मसाजिद में नमाज तरावी के रूह पर इज्तमात, मास्क की पाबंदी और फासला लाजिम। सहरी के लिए खरीदारी हो चुकी, घरों में पकवानों की तैयारी। रमजान मुबारक में सदका फितराने का तयन, कम अज कम हद 120 रुपए मुकर्रर। साहिब इस्तेदाद जो के एवज 300 रुपए फीकस फितराना देंगे। खजूर 800, किशमिश के एवज 1600 अदा किए जा सकते हैं। जामिया नईमिया का फतवा। चीनी नहीं मिल रही है, वो कहते चीनी आ रही है, चीनी नहीं मेरी बंदर जाएंगे, पता नहीं घी भी है कि नहीं। चीनी जो मेन जब माल लेके लगा दें, जब माल वापस दें रमजान में, ताकि किसी को परेशानी ना होना चाहिए कहीं। रहमतों और बरकतों का महीना, शहरी चीनी और आटे के लिए ख्वार। रमजान बाजारों में भी बुरा हाल। शादबाग चाइना स्कीम में चीनी का स्टॉक खत्म, सिर्फ एक रोज का स्टॉक रह गया। ताजपुरा बाजार में मटन और बीफ के स्टॉल ना लग सके। ओपन मार्केट में भी सस्ती चीनी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हुआ। मुर्गी की भी ऊंची उड़ान, ब्रॉयलर गोश्त 13 रुपए इजाफे के साथ 336 रुपए किलो हो गया। शहरी परेशान। लाहौर में दूसरे रोज भी ट्रैफिक जाम, 22 मकामात बंद, निजाम जिंदगी मफलूज। शहरी रास्तों की तलाश में ख्वार, समनाबाद चौक यतीमखाना स्कीम मोड़ के रास्ते बंद। भट्टा चौक चुंगी अमर सिद्ध दरोगे वाला, शादबाग चौक जाने वाले भी परेशान। मोहलन बाल करोल घाटी, महमूद बूटी रिंग रोड, शाहदरा चौक समेत मुतद्दिद शाहराओं पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। कोरोना के तशखीसी निजाम में भी मुश्किलात, सैंपल लेने वाली टीमें मौके पर ना पहुंच पाई। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के लिए 40 करोड़ के फंड जारी, लाहौर को 20 करोड़ मिलेंगे। पीडीएमए रकम इंतजामी अखराजात के लिए देगा। उधर कोरोना के सामने ढाल, मौसर दवा का इस्तेमाल बंद। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ ने टीचिंग अस्पतालों को इंजेक्शन की खरीदारी से रोक दिया। प्राइवेट अस्पतालों में दवा का इस्तेमाल जारी, मुश्किल दौर में मुश्किलात बढ़ाने पर सेक्रेटरी जनरल पीएमए बरहम हो गए। डॉक्टर शाहिद मलिक और जाहिद परवेज की तनकीद। उन्नीस अप्रैल से 9वीं और 10वीं की क्लासेस का आगाज, रमजान मुबारक के लिए सरकारी स्कूलों के औकात कार जारी। लड़कियों के स्कूल सुबह 8 से 12:30 बजे तक खुलेंगे, बॉयज स्कूल के लिए सुबह 8:15 बजे से दोपहर 12:45 का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। लाहौर का सुनहरी दौर कैसा होगा, पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट सिटी का नक्शा खींच दिया। सेफ सिटी ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई और स्ट्रीट लाइट्स को टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जाएगा। ऑरेंज ट्रेन हो या मेट्रो, ट्रैफिक का कंट्रोल भी उंगलियों पर होगा। रिंग रोड को भी कमर्शियल कॉरिडोर बनाने की इजाजत, पेट्रोल पंप खरीदारी के मराकज बनेंगे। रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप का दायरा कार बढ़ाने का फैसला, पंजाब हुकूमत 2024 तक 8,910 यूनिवर्सिटीज को स्कॉलरशिप देगी। महकमा हायर एजुकेशन 3 अरब 12 करोड़ से स्कॉलरशिप ऑफर करेगा। 48,000 बनते हैं, 20,000 क्यों ने, टाइफाइड मुहिम में शरीक। हेल्थ वर्कर्स सुपरवाइजर्स डट गए, मुहिम खत्म हुए 2 माह बीत गए। ट्रांसपोर्टेशन की मद में अदायगियां ना हो सकी, मुतासरीन का इल्जाम। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स पर एजाजिया दबाने का इल्जाम। चीनी स्कैंडल, जाली अकाउंट्स केस में 3 ब्रोकर्स की जमानतें मुस्तरद, शेख तुफैल, इमरान और अवेज शामिल। उधर चीनी स्कैंडल की तहकीकात आखिरी मरहले में दाखिल, एफआईए 22 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड पेश करेगा। शहर में ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल, नैब रावलपिंडी की टीम कोटकपत जेल ना पहुंच सकी। शहबाज शरीफ से पंजाब बैंक में गैर कानूनी तकरारियों पर पूछगछ करना थी। पीपल्स पार्टी एएनपी नुमाइंदे पीडीएम के व्हाट्सएप ग्रुप से आउट, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान, कमुज़ज़मान कायरा को ग्रुप से निकाल दिया गया। एहसन इकबाल ने एएनपी के मियां इफ्तिखार को भी रिमूव कर दिया। पीपल्स पार्टी पीडीएम के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे चुकी, कमुज़ज़मान कायरा का जवाब, हुकूमत पर भी लफ्जों के वाह। खिदमत आपकी दहलीज पर, अफसरशाही का एहतसाब होगा। हुकूमत कोरोना एसओपीज पर अमल के लिए अब डंडा उठाएगी। फिरदौस आशिक को गुस्सा आ गया,
कहती हैं जहांगीर तरीन पार्टी का हिस्सा है, घर की बातें मीडिया पर नहीं आनी चाहिए। मुआवने खसूसी की मरहूम गुलकार शौकत अली के घर आमद, लवाहिकीन से इजहार अफसोस। पंजाब के तरक्याती मंसूबों पर नजर है, मयार और शफाफियत पर समझौता नहीं करेंगे, वजीर आला उस्मान बुज़दार के रुकन असेंबली हामिद यहराज से मुलाकात में गुफ्तगू। बिजनेस कम्युनिटी को इंसाफ की फराहमी के लिए तारीखी कदम, कमर्शियल कोर्ट्स के कयाम का ऑर्डिनेंस जारी, गवर्नर पंजाब ने दस्तखत कर दिए, मुकदमात का फैसला 180 रोज में हो जाएगा। सूबाई वजीर मुराद रास का रमजान बाजारों का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया, शहरियों को कोरोना के पेश नजर अफतारी के इज्तमात महदूद रखने की दरख्वास्त। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल भी मैदान में आ गए, फलों और सब्जियों का मयार चेक किया। हुकूमत पंजाब का पीएमएस अफसरान भर्ती करने का फैसला, एसएनजीएडी ने 42 अफसरान की रिक्विजिशन भेज दी, भर्ती का मामला पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के कोर्ट में चला गया। पीआईए के तहत कॉर्पोरेट सेफ्टी सेमिनार, एम आमिर हयात, कैप्टन मोहसिन ओसाफ, अब्दुल मुकद्दम खान की खसूसी शिरकत, मुलाजमीन में बेहतर कारकर्दगी पर अवार्ड तकसीम। गुर्दों के मरीजों के लिए अच्छी खबर, जनरल अस्पताल के डायलिसिस सेंटर की अपग्रेडेशन का अफ्तिताह, अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी जियाउद्दीन बट का 50 जदीद मशीनें देने का वादा, इंसानियत की खिदमत पर प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद का इजहार तशक्कुर। दुनिया की 100 बेहतरीन जामियात में शमूलियत का मिशन, हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब यूनिवर्सिटी को 10 अरब रुपए देगा, फंड से फैकल्टी भर्ती होगी, लैब बनेंगी, होनहार तलबा के लिए खसूसी सेंटर कायम किए जाएंगे, यूनिवर्सिटी हुकाम ने सर जोड़ लिए। सरकारी यूनिवर्सिटियों में डेपुटेशन पर तैनात कॉलेज असातिज़ा की डेपुटेशन खत्म, 1 जुलाई से इतलाक, 900 से ज्यादा असातिज़ा की तनख्वाहें जारी नहीं होंगी, एचईसी दोबारा तकरारी करेगा। ओल्ड रावियंस यूनियन का इलेक्शन 2021 मुतनाजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद फारूक शेख ने इंतखाब का अदम करार दे दिया, वाइस चांसलर जीसीयू को दोबारा इलेक्शन कराने की हिदायत। मारूफ कारोबारी शख्सियत राना अख्तर महमूद के सवाब के लिए कुरान खानी का अहतमाम, इकबाल टाउन में तकरीब, कारी अजबत उबैद, राना अजहर अब्बास, राना अब्दुल राफे, मोहम्मद इमरान, एहसानुल्ला वक्कास, इरफान इकबाल शेख और दीगर की शिरकत, नाथवानों ने अकीदत के फूल निछावर किए। शुक्रिया ताजिरान, हफीज सेंटर के नौ मुंतखब सदर फयाज भट्ट की ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात, खिदमत ग्रुप को कामयाब कराने पर इजहार तशक्कुर, मसाइल के हल के लिए दिन रात एक करने का अज़्म, शेख इमरान अता, उमर बारी, कर्नल रिटायर्ड असद, सलीम शेरवानी भी हमरा थे। वजीर आजम क्लीन एंड ग्रीन मुहिम, शहर में मुफ्त पौधों की तकसीम, फैसल चौक पर शहरियों को पौधे दिए गए, हर यूसी में 1 लाख पौधे लगाने का आदेश।